तो देखो बच्चों, ये भी एक आसान प्रॉब्लम है, आप प्रैक्टिस कर लो। एक सर्कुलर रोड है जिसकी रेडियस, ये सर्कुलर रोड है, रेडियस 50 मीटर एंड एंगल ऑफ बैंकिंग 30 डिग्री है। व्हाट शुड बी द व्हीकल गो ऑन दिस रोड सो दैट फ्रिक्शन नॉट इन यूज्ड। तो फ्रिक्शन कैसा है भाई साहब? स्मूथ जीरो है, ठीक ना? मतलब अभी फ्रिक्शन का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है? मतलब फ्रिक्शन है बट यहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन का कोई यूज नहीं होगा, करा सो दैट फ्रिक्शन डज नॉट यूज। तो कितने मोड़ से सेफ स्पीड से मुड़े कि फ्रिक्शन का कोई यूज ही ना हो? तो सबसे पहले अब देखो, जो रोड है ये वाली इंक्लाइंड वाली लाइन है, तो ये वाली हॉरिजेंटल वाली लाइन है, तो रोड हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर बैंकिंग है। तो हाँ, ये वाली जो थीटा है वो बेसिकली कितनी है? तो ये जो जो गाड़ी है, तो थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो बेसिकली हमें यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई यूज ना हो, इसके लिए मैक्सिमम स्पीड इस सर्कल में, ऐसे इस सर्कल में गाड़ी मुड़ेगी। तो मैक्सिमम स्पीड का डायरेक्ट हमें फार्मूला याद है बच्चों, तो मैक्सिमम स्पीड इंक्लाइंड प्लेन पे RG tan थीटा अंडर रूट होता है। तो ये हम लोगों को क्या हुआ? रटा हुआ है, ठीक ना? याद है। तो ये हम बहुत सारे फार्मूले क्या करते हैं, हम लोग रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, और कर लेना भी चाहिए भाई। तो मैक्सिमम स्पीड जो है वो सबकी वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू डाल दो, आर 50 मीटर, जी की वैल्यू 9.8, और टेन अगर बोला है तो टेन ले लो, और टेन 30 कितना होता है? टेन 30 होता है 1/√3, और ये सारे के सारे रूट के अंडर है। तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड, 17 मीटर पर सेकेंड से अगर आप मुड़ोगे तो बड़े आराम से मैक्सिमम स्पीड से अगर मुड़ रहे हो, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है? तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा।